ऑक्सीजन को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। ज्यादा रेलवे एम्प्लॉइज इंडिया के पास है, सबसे ज्यादा इसमें इंडियन रेलवे ने 10 बिलियन राइडरशिप रिसीव की। ईशान रेलवे में 73,000 एम्प्लॉइज, उनके 13 लाख थे ना, 13,70,000। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिस पे पहले भी मैं अकेले वीडियो कर चुका हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रेलवे कंपैरिजन। जो कि स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि इंडिया की रेलवे मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की तीसरे चौथे नंबर पे आती है। रेलवे मच नहीं, वेरी बेस्ट कह लो एक किस्म का। तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो फैक्ट है उसको हमने हमेशा एक्सेप्ट किया है हमने अपनी हर वीडियो में। और हमारा जो मकसद है इसका सिर्फ कि नॉलेज बेस्ड नॉलेज पता होगी। और पहले जो देखा था वो पुराना था, अब जाके कुछ जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत यहाँ की भी ट्रेन डिफरेंट आई हैं, लेकिन इंडिया में हर किस्म की ट्रेन है, मेट्रो बहुत जो है क्या कहते हैं लेटेस्ट किस्म की है। यहाँ पे मेट्रो नहीं है ना अभी तक, सिर्फ मेट्रो ट्रेन एक है, एक आधी जो लाहौर में ऑरेंज ट्रेन स्टार्ट हुई थी। तो बहरहाल इंडिया की कुछ ट्रेन का मुझे पता भी है, वंदे भारत, गतिमान एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस, लग्जरी ट्रेन हैं जहाँ गोरे आते हैं और उसके अंदर ही होटल जैसा समा, सुन के ही लग रहा है, होटल जैसा समा होता है। फिर एक इनकी लाइफ लाइन एक्सप्रेस भी है, बहुत सारी हैं भारत। और पाकिस्तानी मुझे बहुत कम का पता है, अलामा इकबाल एक्सप्रेस हो गई, गौरी एक्सप्रेस हो गई, अवाम एक्सप्रेस हो गई। और मुझे जहाँ तक पता है कि यहाँ की टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अब हुई, कुछ ना कुछ सुना है यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन देखने के बाद हमें सब क्लियर हो जाएगा। एंड जो चैनल है, जिस चैनल की ये वीडियो है, फैक्ट नाउ, इन्होंने परमिशन भी नीचे नोट भी लिख रखा है और इनसे हमने खुद भी परमिशन ली थी। इनके चैनल का नाम और इनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके इनको भी फॉलो करें जरूर। और 2020 का कंपैरिजन है, सो देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। तो स्टे विद अस। डिस्क्लेमर, पाकिस्तानी रेलवे। हाँ, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये इंडिया की वंदे भारत एक्सप्रेस, इस पे मैंने किया था रिएक्शन। ट्रेन 18 भी बोलते हैं इसको, इस रेलवे कंपैरिजन वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडियन रेलवे नेटवर्क को पाकिस्तानी रेलवे नेटवर्क के साथ। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें मिस्टर कमरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की फाउंडर डेट 1853 है और इंडिया ने 1947 में इस रेलवे सिस्टम को ऑन किया था। इंडिया का रेलवे रेवेन्यू 30 बिलियन US डॉलर है और इंडिया के रेलवे एम्प्लॉइज 13,70,000 है। बहुत बड़ा, इंडिया में सबसे ज्यादा रेलवे एम्प्लॉइज इंडिया के पास है, सबसे ज्यादा। इसमें इंडियन रेलवे ने 10 बिलियन राइडरशिप रिसीव की थी। इंडिया में टोटल 8,000 ट्रेन स्टेशन है, टोटल ट्रैक्स 1,22,000 किलोमीटर के हैं, जिनमें 35,000 किलोमीटर के इलेक्ट्रिक ट्रैक भी शामिल हैं। इलेक्ट्रिक हमारे यहाँ है नहीं। रेलवे, पाकिस्तानी रेलवे की फाउंडर डेट 1861 है, आगे पीछे, और पाकिस्तान ने 1947 में इस रेलवे सिस्टम को ओन किया था। 2019 में पाकिस्तान का रेलवे रेवेन्यू 285 मिलियन US डॉलर था। पाकिस्तान रेलवे में 73,000 एम्प्लॉइज, उनके 13 लाख थे ना, 13,70,000। पाकिस्तान रेलवे की राइडरशिप 300 मिलियन सी। पाकिस्तान में टोटल 900 ट्रेन स्टेशंस हैं और पाकिस्तान में टोटल ट्रैक्स की लंबाई 11,880। उधर लाखों में थे ट्रेन स्टेशन, हजारों थे। फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया 8,000। इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन, मैंने बोला 180 किलोमीटर भी कहते हैं। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है और ऑपरेशनल स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर सही है, लेकिन रहती 180 तक ही है। टू पे जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस, और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है। और नंबर तीन पे है मुंबई राजधानी, ये तो सब जानते हैं। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है, फास्टेस्ट ट्रेन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में नंबर वन पे जो फास्टेस्ट शालीमार एक्सप्रेस
और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर थोड़ी कम है ना उनसे। और नंबर 2 पे है तेजगम एक्सप्रेस, ये भी बहुत चलती है। तेजगम एक्सप्रेस की मैक्सिमम नाम ही तेजगम, 40 किलोमीटर पर और 130 किलोमीटर है, लेकिन उससे कम है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। ग्रीन लाइन इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर और है। पैसेंजर ट्रेन क्लासेस इन इंडिया, तो इंडिया में जो पैसेंजर ट्रेन्स में क्लासेस अवेलेबल हैं उनमें जनरल क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास, फर्स्ट एसी क्लास, एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार और लग्जरी क्लास शामिल है। ये है ना पैसेंजर ट्रेन्स क्लासेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो पैसेंजर ट्रेन में क्लासेस अवेलेबल हैं उनमें सेकंड क्लास, इकोनॉमी क्लास, एसी बिजनेस क्लास, एसी स्लीपर कोच, मैंने किया है एसी बिजनेस में, किया है सब, एसी स्टैंडर्ड शामिल है इसमें भी किया है। अदर ट्रेन्स इन इंडिया, मेट्रो ट्रेन इंडिया में अवेलेबल है, मेट्रो ट्रेन इंडिया में 16 सिटीज में अवेलेबल है। हमारे यहां लाहौर में इंडिया में सिर्फ एक सिटी में मोनोरेल भी है, मोनोरेल मुंबई है। तो इंडिया में बुलेट ट्रेन शेप से को बुलेट ट्रेन आने वाली है, ट्रेन प्रोजेक्ट तो बहुत फास्ट होती है ना, 2019 से, और ये उम्मीद की जा रही है कि 2024 तक इंडिया में बुलेट ट्रेन आ सकती है। वो इतनी फास्ट होती है, पता नहीं इसकी स्पीड कितनी है, अभी इंडिया में नहीं है। हाइपर लूप उससे भी तेज, 2018 से ये भी ट्रेन है, ये ट्रेन नहीं होता, ये इसके अंदर चलता है। वो 2025 में इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद इंडिया में हाइपर लूप इसके अंदर चलता है, ये मतलब ट्रेन की तरह कुछ होगा ना। कोलकाता सिटी में अवेलेबल है, ट्रैम्स भी हैं, और ये ट्रैम 1873 से चल रही है। यार बड़ा डेवलप हो गया पाकिस्तान। मेट्रो ट्रेन पूरे पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर सिटी ऑरेंज लाइन, क्योंकि सुना था और बनेंगे अभी। मोनोरेल जो है वो अभी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन 2035 तक मोनोरेल पाकिस्तान में आ सकती है। तब तक उसने क्या कुछ आ सकती है अभी कंफर्म नहीं, वो भी पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2040 तक बुलेट ट्रेन लगती भी बुलेट की 2040 तक अभी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन 2050 तक हाइपरलूप पाकिस्तान में 2050 तक भाई ट्रैम जो है पाकिस्तान में पहले हुआ करती थी, और ये ट्रैम 1884 से अब क्यों खत्म हो गया अवेलेबल रही है। कराची में ट्रेन को दोबारा लाने का जो प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक कराची में ट्रेन आ सकती है। बहुत टाइम। तो यही था रेलवे कंपैरिजन इन दोनों कंट्रीज के दरमियान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ओके जी, सो एज मतलब एज आई सेड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कि वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे फास्ट है ट्रेन 18 के नाम से। इस पर मैंने बकायदा पूरा फ्लाइंग बीस्ट की व्लॉग देखा था, और मैक्सिमम स्पीड जिसकी 200 किलोमीटर है, और ऑपरेशन स्पीड 180 किलोमीटर, और अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल जहाज टाइप लगती है। और उसके इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेन एम्प्लॉयज है ना। हाँ, और टोटल भी रेवेन्यू देख लें कितना ज़्यादा, 30 बिलियन है, एम्प्लॉयज 13 लाख से भी ज़्यादा, 14 लाख के आस पास, टोटल ट्रैक्स 1,22,000 किलोमीटर, मतलब है कि हमारे उससे आधे भी नहीं है, उससे भी कम है। और इंडिया की खैर एक तो आबादी बहुत ज़्यादा, फिर इंडिया का चौथे नंबर पे रेलवे स्टेशन, रेलवे आता है सारा, अब शायद चौथे से भी पहले आ गया, और दूसरे तीसरे पे पूरा जो रेलवे नेटवर्क है ना। अच्छा, बहुत कुछ वहाँ पे एडवांस हो गया ना, जैसे मोनोरेल आ गई, मोनोरेल है, बुलेट ट्रेन है, हाइपर लूप आ रहा है, ट्रैम भी हैं, और मतलब है कि कमाल है। और इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं, हमारे वहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं, फिर हमारी ट्रेन का बताया गया शालीमार एक्सप्रेस, और तेजगम है, अच्छी है तेजगम। तुमने सफर किस पे किया? हाँ, तेजगम पे, एसी वाले में। हाँ। अच्छा, इसने एक बार किया, मैंने एक बार किया था, मैं छोटा था काफी, मैंने एक बार नहीं, काफी बार मैंने एक बार किया, मुझे पता नहीं भारत। तो इंडिया में क्योंकि आबादी हमसे दुगनी से भी ज्यादा है, हाँ, बहुत ज़्यादा। और फिर जितनी आबादी होगी उतना ही आपका जो है ना सफर ज्यादा, आपके उधर जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा होनी बनती है। और जैसे कि वीडियो में बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ट्रैम आने का है, लेकिन वो 2030 तक कोई, 2040 तक, 2050 तक हाइपर लूप, तो वो तो पता नहीं आएगा, अभी तो कोई प्लान है नहीं दूर दूर तक। जो यहाँ पे मेट्रो एक है वो सिर्फ एक ही शहर में, बाकी उसके अलावा मेट्रो बस इंडिया के 16 शहरों में शायद बताया है। और दूसरा ये कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कंपेरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। और मैं ट्रेन में बहुत कम सफ़र किया है, मैंने बहुत किया, हाँ इसने किया हुआ है। और ये है कि पता नहीं ट्रेन में कभी दिल्ली नहीं किया जाने का, और इंडिया की तो अभी इसमें लग्जरी ट्रेन्स का नहीं बताया, वो अगर देख लें तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो आई होप कि यहाँ पे भी ट्रेन सिस्टम बेहतर हो, यहाँ पे भी, क्योंकि अब इतनी आबादी हो रही है या इतनी ट्रैफिक हो रही है कि हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स चाहिए। सो इसमें जो ऐड नहीं हो पाया वो आप ऐड करें,
और जिन ट्रेन्स का आपको पता है वो आप बताएं। हमारे यहाँ की जो मैक्सिमम स्पीड बताई गई है वो 150 किलोमीटर तक बताई गई है। अच्छा, लेकिन जो यहाँ पे तेज गम बताई है वो बहुत वो फास्ट 130 है। तक चलती है, उससे फास्ट थी शालीमार। हाँ, लेकिन जो तेज गम है वो थोड़ी सुने और इन्होंने बेहतर की है। हाँ, तो इम्प्रूव कर रहे हैं, बट जाहिर सी बात है कि कुछ एडवांस लाने की जरूरत है, एडवांस लाने की जरूरत है। सो एक और रिएक्शन, आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा हमारे साथ देखने में। कोई हेट फैलाने की हमारी कभी भी नहीं होती, तो अच्छे कमेंट्स करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, कुछ ऐड करना चाहते हैं करें। और इसमें कोई ट्रेन्स जो भी नहीं बताई गई इस वीडियो में, हाँ, आप वो भी बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम उन पर रिएक्शन दें, तो हमें ज़रूर बताइएगा। काफ़ी सारी ट्रेन्स में मैं ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका हूँ, ज़रूर वो भी देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा यहाँ लिंक्स डाल दूँ, वरना आप सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगी रिएक्शन एज ऑलवेज। अगर आपको अच्छा लगा तो, अगर रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट व्लॉग्स के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ हम फोटोज वगैरह डालते हैं और अपडेट्स आपको मिलेंगी। इसी तरह हम लोग नए नए रिएक्शंस लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।